क्वेश्चन थर्ड है प्रोटिस्ट में प्रचलन को समझाइए। आप मेरे को बताना है प्रचलन, प्रचलन क्या होता है? चलना, ठीक है ना। तो प्रोटिस्ट किस प्रकार से चलते हैं समझाइए। आंसर देखें, प्रोटिस्ट में प्रचलन तीन प्रकार की संरचना द्वारा होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। सबसे पहला है कशाविकाओं द्वारा, बाई फ्लैजेला, ठीक है ना। फ्लैजेला कौन होते हैं? लंबे धागे होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मान लिया जीव का, उसमें ये धागा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कशाविका कहते हैं, ठीक है। फ्लैजेला लंबी धागे के समान संरचनाएं हैं जो जीव के प्रचलन में सहायक होते हैं, प्रचलन में इस चलने में सहायक होते हैं, ठीक है। कशाविकीय प्रचलन के लिए, कशाविकीय प्रचलन के समय कशाविका में आधार से शीर्ष की ओर सर्वल तरंगें पैदा होती हैं, जिनसे पानी पीछे की ओर धकेला जाता है और जीव आगे की ओर बढ़ता है। जैसे पल्लव पानी में तैरते ना तैरते हैं, तो जहाँ से हमारा ये आधार होता है, जहाँ से फ्लैजेला जुड़ा रहता है, ठीक है ना, उस आधार से क्या होती हैं, यहाँ से सर्वल तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगों के माध्यम से पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है, इसके कारण शरीर कहाँ जाता है? आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से काम कहलाता है? किसके द्वारा ऐसा होता है? कशाविका के द्वारा। जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स, जूफ्लैजेलेट्स आदि। नेक्स्ट होता है सीलिया द्वारा। अब सीलिया क्या होते हैं? सीलिया पूरे शरीर में ऐसे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, छोटी छोटी सिलोम टाइप की संरचना, इनको क्या बोलते हैं? हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। सीलिया महीन छोटी एवं धागे के समान संरचना है। इसकी मूल संरचना फ्लैजेला के समान होती है। मूल संरचना कैसी होती है? शुरुआती अवस्था फ्लैजेला के समान होती है, लेकिन एक फ्लैजेला से आकार में कैसे होते हैं? छोटे तथा संख्या में अधिक होते हैं। सभी सीलिया जीव को पानी में आगे बढ़ाने के लिए सम्मिलित या समन्वित रूप से गति करते। इस प्रकार की गति में दो प्रकार के आघात बनते हैं। एक होता है प्रभावी आघात, इफेक्टिव स्टॉक्स, दूसरा होता है क्षतिपूर्ति आघात, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो सीलिया होते हैं वो समन्वित रूप से सब इकट्ठे काम करते हैं और इकट्ठे आपस में मिलकर के पानी को पीछे धकेलते हैं, जिसके कारण शरीर काम करता है, आगे बढ़ता है। इसमें दो प्रकार के आघात बनते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा पतवार, नाव देखी होगी, नाव को जब चलाया जाता है तो पहले तो उसको ऊपर लेते हैं, ठीक है ना, जो पतवार होते हैं, और फिर इसके बाद में पानी में धक्का लगा जाता है, मेरा क्लियर है। तो एक प्रभावी आघात बनता है और दूसरा कौन सा होता है? क्षतिपूर्ति आघात होता है, ठीक है ना। प्रभावी आघात में देखें, इसमें सीलियम कड़ा हो जाता है तथा बलपूर्वक एक क्षण के समान पीछे की ओर गति करता, जिससे जीव आगे की ओर बढ़ता है। क्या हो जाता है? वो कड़ा हो जाता है और एक धक्का लगाता है पीछे की ओर, ठीक है ना, इसके कारण शरीर कहाँ हो जाता है? आगे पहुँच जाता है। अब बात समझना, इनने पीछे की ओर धक्का लगाया तो आगे पहुँचा, आप जी क्या करेंगे? सीलिया आप जी ऊपर उठेंगे, समझा कि नहीं आ रहा? आप जो उठ के यहाँ आ जाएगी, बात समझ आ रही है? अब कहाँ गए? इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे इस प्रकार होंगे तो फिर पीछे जो धक्का लगाएंगे तो शरीर कौन जाएगा? आगे छोड़ जाएगा। जब जब पीछे को धक्का लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी आघात कहते हैं। और फिर इसके बाद में जाता है आगे, और सर क्षतिपूर्ति आघात जब जो ऊपर की ओर पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसमें सीलियम जीव द्रव्य शीथ के लचीलेपन के कारण होता है, ठीक है ना, तथा आगे की ओर बिना बल लगाए, ठीक है ना, बिना बल लगाए अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। यह जल के प्रतिरोध को कम करता है। इसकी तुलना पतवार से की जा सकती है तथा क्षतिपूर्ति आघात में पतवार को पानी की सतह के ऊपर उठा करके पुरानी स्थिति में लाया जाता है। पहले क्या होता है? जिनाव, देख लो यार ऐसी होती नाव की होती, इस साइड जिनाव है और बगल में चलाने वाले के जो लोग होते हैं वो पतवार होते हैं। तो पहले तो देखो वो ऐसे ऊपर उठ जाता है, तो बेटा ऊपर ले गए ना तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्षतिपूर्ति आघात। अब देखो यहाँ से ऊपर पहुँच जाए क्षतिपूर्ति आघात, अब इसके बाद वो पानी मिल जाएगा ऐसा,
लगाएगा तो फिर नीचे जो पानी को क्या होता है धक्का लगाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं प्रभावी आकार, क्षतिपूर्ति आ रहा प्रभावी आ रहा, क्षतिपूर्ति आ रहा प्रभावी आ रहा, जैसे मेरा इस प्रकार से जीव क्या होता है आगे की ओर चल रही है। ठीक है ना, आप इस्तेमाल ला सकते हो जैसे परामर्श। ठीक है ना, दूसरा होता है शुक्रपुर यानी फुटपाथ वाला, फुटपाथ जो बनता है उभार, क्या बनता है उभार, जैसे जैसा लिखे इसमें छोटा सा उभार बनेगा। ठीक है, जैसे ये होगा इसमें क्या बना है उभार बना, उभार ऐसा बना और इसका जीव पूरा विश्व में आ जाता है, फिर पूरा सिकुड़ टाइप का जाता है, फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रभाव को क्या बोलते हैं उत्पाद द्वारा विचलन करते हैं। उत्पाद जीव द्रव्य अस्थायी प्रभाव है जो जीव के विचलन में सहायक होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लोगों को ऊर्जा, इसमें उत्पाद का सरा बोध तथा कुंद होता है। अभी बताया जाए कि उत्पाद कैसा होता है। ठीक है ना, और लोग पुड़िया में कैसा होता है, इसमें उत्पाद का सरा गोल अथवा कुंड जैसा होता है। और समय में मैं आप एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, गुब्बारा देखा है, गुब्बारे को कहीं दबा देना तो एक साइज छोटा सा फूलता है, एक साइज ज़्यादा फूल जाता है, बस उसी को सूर्य पुड़िया कौन किया जाता है। ठीक है ना, वो कौन सा कहलाता है उत्पाद या सूर्य पुड़िया, तो ये सूर्य पुड़िया पैदा कौन सा लोगो पुड़िया। एक उत्पाद का सलाह गोल तथा कुंद होता है, कैसा होता है कुंद जैसे अम्बा। दूसरा होता है फिलोपोडिया, इसमें उत्पाद कैसा होता है बेलनाकार होता है जैसे युगलाइफा। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है लैटिक्लोपोडिया, इसमें उत्पाद साकेत होता है, कैसा होता है साकेत या स्थानांक के रूप में होता है। एग्जाम्पल बता देते हो क्या एल्फी डियम एग्जोपोडिया, एग्जोपोडिया इसमें उत्पाद कैसा होता है कठोर होता है, पक्षी तलुक्त होता है और बेलनाकार होता है। एग्जाम्पल में क्या होगा एक्टिनोफिश। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा एक फिश होता है, क्वेश्चन कौन सा होता है पिछलन, प्रोटिस्ट में चलते कैसे हैं, पिछलन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो निर्प्रकाश करते हैं पहला कौन सा होता है कशाविका द्वारा, दूसरा कौन सा होता है सीलिया द्वारा। ठीक है ना, कौन सा होता है सीलिया द्वारा, सीलिया कितने प्रकार से होता है आवरण बनते हैं दो प्रकार के प्रभावी और क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट होता है उत्पाद द्वारा, उत्पाद कितने प्रकार से होते होते हैं तीन प्रकार के, लोगोपोडिया फ्लोपोडिया रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया आदि। ठीक है ना, ये क्या है उत्पादों के नाम हैं। इस प्रकार से अपनाए विचलन का क्वेश्चन फिनिश होता है।